गाजर जैसे खरगोश खाता है वैसे खा के दिखाएं। जल्दी कर, आज इकट्ठे डाल दो। तो कोई मसला नहीं है, पानी से भिगो के फिर तवे के ऊपर डाल के मैं खुद खा लेती हूँ। मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत सब्जी मैं गया हूँ नानी, मैं मुझे पता है मोटरसाइकिल पे अभी वीडियो बनाने के लिए गया हूँ। सबसे पहले चीज जाके उस्ताद मोहतरम को खाना दे आते हैं। बड़ी फैमिली है ना। तो बड़ा था लो तैबा जो है ना हंस रही है। अल्लाह हाफिज का इंतजार करिए कि अल्लाह हाफिज कब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी माशाल्लाह से ना बहुत प्यारा सूरज निकला हुआ था, लेकिन अब हो गई है शाम। बस सूरज जो आया ना आधे घंटे के लिए बस धूप लेके आया है। और तैबा मस्जिद गई हुई थी पढ़ने के लिए। अच्छा, अभी सूरज जो जा, अब सूरज जा रहा है अपने घर को। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज ना सूरज बहुत प्यारा निकला हुआ था माशाल्लाह। आमीन, दुआ मांग रही है। आमीन, ला इलाहा मुहम्मद रसूलल्लाह। हाँ, बच्चे को जैसे सिखाओ ना वैसे ही करता है। दुलन दुलन अब दिन बन गई हो। इसके दुपट्टे से बहुत प्यार है, मुझे जब से दुपट्टा मिला ना दुपट्टे को ऐसे ओढ़ के रखती है। दुल्हन बनी तो दुल्हन का भी मतलब चलता है। आयत फातिमा और ये तायबा, इनको दुपट्टों से बहुत ज्यादा प्यार है। स्वेटर है दोनों नहीं पहनती, चलो वो ओके पहनती तो है टोपी वगैरह, ये तो बिल्कुल भी नहीं पहनती। अभी मैं अम्मा को देती हूँ सब सब्जियां, अम्मा मुझे सब्जी बना के देगी। मेरा कुछ घर का काम है, बच्चों के कपड़े मैंने समेटने हैं, वो मैं समेट के तय करके मैं रख दूं। तो ये मैं अम्मा को देती हूँ, अम्मा मिसाले भी बना दे, सब्जी भी बना दे। सब्जी में आज बना रहे आलू मटर गाजरें। तो बहन भाई बोलेंगे फिर से आलू आ गए, सुबह मैंने आलू बनाए थे। बस क्या करें, अच्छे लगते हैं हमें आलू। नानिया मन यहाँ पर सब्जी बनाना स्टार्ट करती है और सबसे पहले छीले जा रहे हैं जी आलू। आलू के बाद जी गाजर की बारी है, गाजर भी ऐड होने वाली है बीच में और साथ में मटर भी। तो आज हम तीनों सब्जियां, जैसे मामी ने बोला है कि तीनों सब्जियां मिक्स करके बना रहे हैं। हमारे घर वालों को आलू गाजर मटर इनसे तो बहुत ज्यादा प्यार है। सर्दियों में और कोई सब्जी बनती नहीं, कभी कभार वो मतलब बने हैं खीर पेड़े जिन्हें कहते हैं, तो वो कभी कभार बनते हैं। बाकी यही सब्जी चल रही है और कभी कभार दाल बना लेते हैं। तो नानी अम्मा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सर्दी होती जा रही है, अभी साढ़े चार का टाइम हो गया है। अम्मा को मैंने सब्जियां दे दी है, मैंने कहा अम्मा आप सब्जी बनाओ, यहाँ पे मैं ना साथ साथ आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के फिर मैं आग जलाती हूँ क्योंकि लाडा सिस्टर को भी सर्दी लगी और बाहर फिदा जान भी पड़ा हुआ है, उसको भी सर्दी लगी हुई है। मैंने कहा चले सिस्टर, गाजरे जो है ना गुड़ के साथ बड़े मजेदार लगती है। गुड़ के साथ गाजरें खाओ, बड़ी टेस्टी लगती है। नहीं, गुड़ के साथ वाकई में गाजर अच्छी लगती है। कुछ नहीं होता। अच्छा हमें तो कुछ नहीं हुआ। आपके हो गया होगा, लेकिन हमें कुछ नहीं। हाँ नानी अम्मा भी कह रही है कुछ भी नहीं होता। गाजरें नानी अम्मा ने काट ली है, अभी मटर निकाले हैं। लाडो मटर निकलवा लो नानी अम्मा का। गाजर तो खाने दो, गाजर के साथ में खाती रहना। कैमरा नहीं बंद, कोई चीज खाने बैठो पहले कैमरा लेके आ जाओ। हाँ ये पता क्या है, कहीं पे कहीं नहीं कहीं चावल काटे छू चुके ये वही आ जाता है। कोई बोले में यही तो खाते हैं, सब कुछ दिखाता रहता है। तो यही तो चीजें दिखानी होती है ना कि आप लोग कैसे खाते हैं। जैसे गाजर जैसे खरगोश खाता है वैसे खा के दिखाएं। अभी लग रही थी सर्दी क्योंकि सालन भी बनाना है, तो मामी ने आग जलाना भी स्टार्ट कर दिया आटा बनाने के फौरन बाद। मामू भी आ गए अंदर, मामू पहले बैठे थे धूप पे बाहर, अब धूप खत्म हो गई है तो हवा भी ठंडी ठंडी चलने लग गई है। अब सूरज नहीं है ना इसलिए। हाँ अभी अंदर आ गए, इसके काम चेक करो ये क्या बना के फिर रहे हो। बारिश आ रही है बाहर, बारिश आ रही है बाहर। मामी आपका बेटा कुली बना हुआ है। अनबॉक्सिंग कर, अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। जल्दी कर,
जैसी फट गई। ये अब ठीक है, बटन बंद कर देना, जब सर्दी लगे फिर बटन खोल लेना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का खाना बनना स्टार्ट हो गया है, आटा भी मामी ने बना लिया है फैमिली तौर पर, और अभी सालन बना रही है। सालन बना के जो ही चूल्हे से सालन नीचे उतारेंगे फिर रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे। सालन बना होगा फिर साथ साथ गरम गरम सबको देती जाएंगी। इसको मामू ने छेड़ा है तो अभी रो रहा है। नहीं क्या हुआ? इसका बिस्किट खा के मैं किसी लिए रो रहा है। अच्छा ये देख 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 आंसर है मामू, देख देख कोई चीज नहीं देता अपने बाबा को शिकायत लगाने के लिए आया। अच्छा ठीक है, और मैं भी जा रहा हूँ नल की वीडियोस बनाने के लिए ना, फिर मैं लेता आऊंगा। मामू नल फाइनल हो गया है ना? आप कह रहे थे सुबह फाइनल होने वाले हैं। फिर भी जाकर देख लो, बोला तो है उन्होंने फाइनल हो गए हैं। अच्छा फिर भी आप जाएंगे देख लेना, अगर फाइनल हो तो बना लेना वरना सुबह बना ले। चलें ठीक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर कर देती हूँ अलग, आज इकट्ठे डाल दो तो कोई मसला नहीं है। इसमें क्या मसला है? कोई मसला भी नहीं है। डालनी तो सब चीजें है, देखो पानी डालना है ना, एक साथ ही सब चीजें डाल के मिसाल वो कर दे कि जब आप बोनी लगा लो टाइट बन जाएगा। अच्छा हाँ, बीफ में भी तो ऐसे एक साथ डाल देते हैं तो मसला तो नहीं। हाँ। ये तो बस ये है कि हम ना अपनी वो करते हैं भाई, अपनी सहूलत देखते हैं। हाँ जल्दी बन जाता है, जल्दी प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं, फिर टमाटर भी। रखवानी रही कुछ लोग तकरीबन जो बीफ बनाते हैं ना उसमें हर चीज एक दफा ही डाल देते हैं रेसिपी में, डाल के बंद कर देते हैं। ऐसे ही बनता है। हाँ बिल्कुल। चलें आप सालन बना रहे हैं, शाम हो रही है, मैं जाके नल देख के आता हूँ, उनकी वीडियोस बनाकर जल्दी से जाओ, जल्दी से धूल अभी से शुरू हो गई है बढ़ना। हाँ अभी आया हूँ जी नल की वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन नल तो कम्प्लीट हो गया है। अभी फर्श जो है ना वो गीला था, जिसकी वजह से ना अम्मा जी कहीं गई हुई हैं, वो ताला लगा के, अगर वो घर होती तो मैं उनसे दुआ करवा लेता, लेकिन वो बेचारी कहीं गई हुई हैं मेरे ख्याल में, तो वो जो ही आएंगी। इस अम्मा जी का नलका नहीं था तो पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। और ये जो है ना टीले की जगह है ना, ये देखें जी काफ़ी बड़ा टीला है नीचे, तो यहाँ पर डबल बोर करवाना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब ये नल लगाया है डबल बोर करवा के, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। वो जो ही आती हैं अभी तो नहीं, लेकिन सुबह वीडियो इंशाल्लाह बना के जाऊंगा। नेक्स्ट नल भी देखते हैं, अगर वो कंप्लीट हुआ है तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। वो वाला नल तो कंप्लीट नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाला नल जो है ये कंप्लीट हो गया है। यूके से हमें दो नल आए थे, और ये नल है जी सदका जारिया अकील अहमद के नाम का, जो कि यूके से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इसका फर्श वगैरह भी कम्प्लीट हो चुका है, और ये नल भी अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुका है। और ये नल बड़ा है, डबल बोर हुआ है, क्योंकि ये जगह जो है ये टीले की जगह है। और ये नल हमने इस अम्मा जी को लगवा के दिया है, क्योंकि अम्मा जी काफ़ी अरसे से हमें कह रही थी इनका नल नहीं था, पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती थी, लेकिन हमारे पास सिंगल नल थे, सिंगल बोर वाले नल थे, यानी कि छोटे नल थे, टीले वाला नल नहीं था जो बड़ा और इसका डबल बोर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर टीले पर पानी निकल चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा पानी नल दे रहा है, और ये नल हमने इस अम्मा जी को लगवा के दिया। अम्मा जी आपके पानी का मसला हल हो गया है अल्लाह के करम से, तो आप खुश हैं जी? खुशी महसूस हो रही है? चलें जी हाथ उठा के अकील अहमद के लिए ढेर सारी दुआ कर दे कि अल्लाह पाक उनका ये भेजा हुआ नल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और उनका ये सदका जारिया कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह पाक उनके रिज्क में मजीद बरकतें अता फरमाए, और वो यूं ही गरीबों में बांटते रहें। उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें, उनकी लंबी सेहत के लिए, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी के लिए दुआ कर दें। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा जी बाद में भी उनके लिए दुआ ढेर सारी करते रहिएगा, हमारा तख्ती लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोग को याद दुहानी होती रहे कि ये नल हमें अकील अहमद की तरफ से आया है जी यूके से, तो उनके लिए ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, ठीक है? इससे नमाज पढ़िएगा, वजू कीजिएगा, तो उनके लिए ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, और जब भी बर्तन धोइएगा, कपड़े धोइएगा, इसे इस्तेमाल में लाइएगा, पानी पीजिएगा, तो उनके लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, ठीक है? ज़रा नल मुझे चला के दिखा दें, यहाँ टीले पे पानी कैसा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त पानी आ रहा है माशाल्लाह जी। फैमिली तौर पर नल की वीडियोज़ बनाकर वापस ही आ गया हूँ,
तो यहाँ पर जी सालन भी मामी का तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया। रात भी हो चुकी है, बस यार जो ही सालन तैयार होता है उसके बाद मामी रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे और फिर सबको देना स्टार्ट कर देंगे। मामी ये क्या सीन है, ये मतलब आटा अलग से जो रखा हुआ वाला आटा जो बच्चा था ना? अच्छा, मैं रोटियां बनाती हूँ पूरियां, मतलब के जो बच्चे खा लेते हैं ना एक्स्ट्रा नहीं बनाती, क्योंकि फिर बच्चे शाम को खाते नहीं है, रोटी बच जाए तो फिर दिल को तकलीफ होती है, फिर खाते नहीं है तो फिर ऐसे जाया हो जाए ना तो फिर अच्छी बात नहीं। अगर जाया होने तो नहीं देती, मैं खुद जो है ना पानी से भिगो के फिर तवे के ऊपर डाल के मैं खुद खा लेती हूँ, मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है रात वाली रोटी। अभी मामी ने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है, अम्मा की एक बनाती हूँ सुबह, अपनी एक बनाती हूँ जो ना हम खाते हैं, जैसे जैसे सब बच्चे खाते हैं वैसे वैसे फिर बस ताजी बना के। हाँ, मगरिब की अजान हो चुकी, नमाज हो चुकी है ना? हाँ। तो अभी सबसे पहले जाके ना कारी साहब को खाना देते हैं। हाँ, क्योंकि हम दोपहर को तो खाते नहीं है, दोपहर को नहीं खाते हम, सिर्फ सुबह शाम खाते हैं। अभी तवा चेक करें किस तरह खड़ा हुआ है, यहाँ टिका हुआ नहीं है, ये लकड़ियाँ जो जो जलती जाएंगी तो तवा नीचे होता जाएगा। रानी माँ, सर्दी है बाहर? बहुत सर्दी है, बाहर जाओ तो सही। हाँ, बाहर बहुत सर्दी है, मैं गया हूँ नानी अम्मा, मुझे पता है, मोटरसाइकिल पे अभी वीडियो बनाने के लिए गया हूँ। सर्दियों में तो फिर सर्दी होती है, आज हद से ज्यादा है, पता है क्या है, खुश्क सर्दी पड़ रही है, जैसे कुछ कोहरा नहीं होता, बर्फबारी होती है, उस तरह का सीन है आज। रोटी पहली रोटी तमाम मम्मी ने अच्छी तरह से धो के चूल्हे ऊपर रखा है। जल्दी में ना भूल जाते हैं, तवा आपका टिका हुआ नहीं है। हाँ, उसको इधर रखूंगी, रोटी डाल दी फिर ऊपर चढ़ा दी, फिर तवा, ये हैंडल वाले तवे का यही तो फायदा होता है, पता है तवा गर्म ज्यादा हो जाता ना फिर उतार के फिर वो कर लेते हैं ताकि रोटी जले ना। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी जाके उस्ताद मोहतरम को खाना दे जाते हैं। किधर जा रही हैं? सालन लेने। कहाँ से? बड़ी सिस्टर के घर से। चले, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, सालन देने आया को लेने आयो? लेने के लिए आए हैं, लेकिन आगे जो है ना चावल बने हुए, ये देखिए जी चावल, आलू मटर वाले चावल बनाए हैं। आज ये थाल भर के उधर अगर खाने आए, आप लोगों को देने के लिए आ रही थी, इसे में मैं के माशाल्लाह बड़ी फैमिली है ना। चले जी, तो बड़ा थाल हो, चलो चलो डालो डालो फिर सिस्टर। मामी की तो ईद हो गई फिर। हाँ। फिर फिदा जान तो अफसोस की बात है, आज उसने आलू और मटर गाजरें खा रही है। चलो आ जाए। मामी गई थी सालन लेने के लिए, लेकिन ये देखे चावल लेके आ गई जी, इधर प्याज टमाटर, मामू की मौज बनाते बनाते खुद की मौज बन गई है। मजा ही मजा, अभी टेस्ट कर लो, मैं आपके लिए भी डाल रही हूँ, सब बच्चों को भी दे के आती हूँ। पहली तौर पर जी किचन को छोड़ के मम्मी आ गई अपने कमरे में और यहाँ पर आकर बिस्तर वगैरह सबके बना दिए हैं जी, और तैबा को चला रही है, तैबा जो है ना हंस रही है, अल्लाह हाफिज का इंतजार करिए, अल्लाह हाफिज कब करते हैं, अल्लाह हाफिज कब करें। बस अभी ना मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए, चले अभी बिस्तर बिछ गए हैं, तो बस मैंने इनको लोशन लगाया, फिर बाजार से मैं लोशन लाई थी। हाँ, क्योंकि ना इसकी सर्दी की वजह से ना इसके चेहरे के फेस की जो गाले हैं ना वो मतलब फूट रही थी। हाँ, इस वजह से ना कर, तो बस अभी अंगारे लेके आई हूँ, तो तेवा के जो है ना पाँव बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे थे, कमरे भी, मैंने कहा चलो ठंडक भी खत्म हो जाएगी, तो बस इधर देखी क्यों मुंह है जंगलिया पहन दी पाई ये तो भाई, तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। ये देखो फिर ये इसको मना करो फिर ज्यादा होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई, अगर पसंद आई हो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबके लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो, सबके लिए दुआ कर दो, आमीन, अल्लाह हू आमीन आमीन।